नहीं रहा गया। आगे आगे मिलने तो तुम्हारी और कोमल की शादी की तैयारियां देखती तो तैयारियां देख कर ये हाल हो गया तो तुम्हें मेरे हौसले की दाद देनी चाहिए जो तुम्हारे और भोले की शादी तक को पी गया मैं साहिर वो एक कड़वा घूंट था जो मैंने तब पिया था जब तुम मुझे बीच राह में छोड़कर चले गए थे लेकिन तुम अब कोमल से शादी क्यों कर रहे हो जबकि मैं तुम्हारा साथ निभाने का वादा कर चुकी हूं नूर, नूर अभी सिर्फ वादा किया तुमने साथ निभाने की रस्म बाकी है। तब तक तुम्हें इंतजार भी करना होगा और दिल पर पत्थर रखकर सहना भी होगा तुम्हें अंदाजा है तुम्हारे यहां आने और मुझसे मिलने की खबर अगर उन्हें हो गई तो क्या होगा हाँ, मेरा ही काम आसान हो जाएगा और मेरा सर अपनी फिक्र है अपनी, अपनी फिक्र और अपनी परवाही तो मैंने छोड़ दी है मुझे अब ख्याल आया कि मुझे इस बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है क्यों मैं परेशान हो रही हूं कि चचा अम्मा जी को सब असलियत बता देंगे अब तो मैं चाह रही हूं कि वो बता दें और निकाल दें मुझे कल को निकालती आज निकालते hmm. और अगर तब भी जानना छोटी तो अगर खुदगर्जी और बेटी की मोहब्बत गालिब आ गई और उन्होंने तुम्हारे माजी को नजरअंदाज कर दिया तो माजी को नजरअंदाज कर सकती हैं। हाल को तो नहीं ना अगर उन्हें तुम्हारे और मेरे बारे में पता चल जाए तो तो तुम खुद पर दाग लगाकर एक बदकिरदार औरत का सर्टिफिकेट लेकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो वो भी मेरे साथ तुम जानती हो ना ये इल्जाम सिर्फ तुम पर नहीं लगेंगे मुझ पर भी छींटे आएंगे लेकिन साहिर वो धब्बे वो छींटे तो दुनिया की नजरों में होंगे ना हम तो एक दूसरे को जानते हैं तो रहना तो दुनिया में ही है ना और तुम्हें क्या लगता है तुम वहां से निकलकर कहां होगी मेरे पास आओगी मैं तो खुद दरबदर हो जाऊंगा जैसे ही इल्जाम लगेगा ना नौकरी रहेगी ना छुपाने की जगह और बड़ी मुश्किल से सेटल होऊंगा मुझे जरा कदम जमाना है मुस्तफा साहब मुझे अपने बिजनेस में शामिल करने वाले हैं हाँ। लेकिन तुम्हें अपना दामाद बनाने के बाद